है आपके अपने चैनल पर फ्री स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है मैं लखनऊ मेट्रो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने करंट अफेयर की सीरीज भी चालू कर दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल पर आ रहे बच्चा उसका एक क्वेश्चन भी ना छूटे, क्योंकि कंपटीशन हाई है तो उनका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर की मैं फेब्रवरी की भी वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगी 5 या 6 बजे के आसपास, और वो भी वीडियो मिल जाएगी। फरवरी की वीडियो भी आपको देखनी है, उसकी जो नोटेशन वाली जो करंट अफेयर है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा, तो वहां से उसको एक बार वीडियो देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही जैसे ये मैराथन चल रही है ना, तो इसमें क्या करनी है, एक बार तो वीडियो देख लेनी है, दूसरी बार आप वो पीडीएफ पढ़ लेना उसको, ठीक है। तो वो आपके जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो मेमोरी में स्टोरेज हो जाएगा जो, ठीक है। तो चलते हैं, ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है। जो नए आए हैं इस चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लखनऊ मेट्रो के और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल की ट्रेडें निकलती रहती हैं उनकी मैं नोटिफिकेशन वगैरह जॉब के वगैरह प्रोफाइल के वगैरह हम बताता हूँ, उनकी क्या पे स्केल है वो बताता हूँ, और जो उनकी तैयारी है वो भी मैं यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो यहाँ पर और वीडियो देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ और किस तरीके से अपनी तरीके से मैं चीज़ों को समझाता हूँ और इजी बना के उनको आपके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट, अपना बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 9th और 10th के लिए इंग्लिश सॉरी मैथ और साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको जो जो कोचिंग होती है ट्यूशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कोर्स यहाँ पर करा दिया जाएगा, अगले महीने से ये स्टार्ट होने वाला है। तो सारी फ्री क्लासेस हैं, अपने छोटे जितने भी भाई बहन हो उनको बोल सकते हो कि वो ज्वाइन हो जाए या सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है। चलते आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो 15 नंबर है ये आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन मैंने अपनी तरीके से सेट किए गए हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको जल्दी समझ में आए, और जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो, तो उस वजह से मैंने क्वेश्चन अपनी तरीके से सेट किए हैं। ये 15 नंबर 16 नंबर इसको मत देखना, ठीक है, बस क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन क्या है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सीलेटर, अगर ऑक्सीलेटर जो सर्किट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करें तो वो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, किसमें, ऑक्सीलेटर में यूज किया जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये रेड कलर विजिबल ना हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लूंगा, येलो ठीक रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर नहीं दिख रहा, हाँ ये यहाँ दिख रहा, ठीक है। तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। ये अगले भी पूछे गए और कई बार पूछे गए और पूछे जाएंगे आगे भी, ठीक है, तो इनको आपको देख कर चलना है। अब ये 16th क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए क्लास बी पावर की, मैक्सिमम क्लास बी जो पावर हो, जो क्लास बी होता है हमारा एम्पलीफायर में, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी क्लास बी में ही होती है, मगर सबसे ज़्यादा नॉइस भी इसमें ज़्यादा होता है। एफिशिएंसी बढ़ने से इसका नॉइस भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर क्लास ए की बात करें, ठीक है, अगर क्लास ए की बात करें तो उसमें 50% जो हमारी है एफिशिएंसी रहती है। इसमें जो नॉइस होता है, ठीक है, नॉइस होता है वो काफ़ी कम होता है, नॉइस हमारा काफ़ी कम होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इसमें जो नॉइस का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो इसमें नॉइस का लेवल काफ़ी कम होता है क्लास ए में, क्लास ए का ये बात करती है मैं, ठीक है। अगर क्लास बी सी की बात करें तो क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी की बात करें तो उसमें पावर जो उसका एम्पलीफिकेशन का होता है वो 75% का होता है, ठीक है। इसमें नॉइस लेवल इससे थोड़ा सा बी से थोड़ा सा कम होता है, तो ये आपको याद में रख के चलना है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर की तो एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी उसकी कितनी हो पाएगी, 78.5% की एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है, ये आपको याद में रख कर चलना है।
अब 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ ए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक एक तरीके का ऑक्सीलेटर है, जो कि ऑक्सीलेटर आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीलेटर का आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए, मैं एक क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपको वो सारे सुनने, ध्यान से सुनने और उनको लेकर चलना है, ठीक है। ऑक्सीलेटर का काम क्या होता है, ऑक्सीलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। अभी किसी भी तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, इसको हम साइन वेव बोलते हैं, ठीक है। साइन वेव भी कर सकता है, स्क्वायर वेव भी कर सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब वहाँ अगर हम बात करें एम्पलीफिकेशन की, तो एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, जो हमारा लो सिग्नल होता है, जैसे कि सिग्नल ये है हमारा, इसको जब एम्पलीफिकेशन के थ्रू गुजारा जाएगा, तो ये सिग्नल हमारा जिस भी जितना भी एम्पलीट्यूड इसका बढ़ाना है, या जितना भी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जितने भी इसका फेज बढ़ाना है, तो वो एम्पलीफिकेशन के जरिए बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसमें कई तरीके के एम्पलीफिकेशन आते हैं, फेज मोड, ये फेज एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है, कई तरीके के एम्पलीफिकेशन आते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक की, इसमें एक क्वेश्चन फीडबैक के ऊपर भी बनता है, ठीक है। जो ऑक्सीलेटर है उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, और जो हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। अब फीडबैक यूज किया जाता है किस लिए यूज किया जाता है, एक तो फीडबैक क्या करता है, इसका जो नॉइस होता है वो कम कर देता है और इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो इसकी नॉइस कम करता है, दूसरा इसका एफिशिएंसी बढ़ाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक मैकेनिकल ऑक्सीलेटर होता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है और ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, ठीक है। एक फिक्स वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा ये, मतलब उससे कम में ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैकेनिकल होता है। आपने इसको देखा होगा, ये स्टील टाइप का आपकी वॉच में दिखाई देगा, सिलेंडर टाइप का, जो छोटी छोटी वॉच होती थी, डिजिटल वॉच आती थी, जिसमें दो बटन हुआ करते थे, आपने आपको याद होगा, उसमें एक ये, अगर आपने उसको खोला हो, तो उसमें एक सिलेंडर टाइप का ये यूं करके होता था, सिल्वर टाइप का सिलेंडर टाइप का होता था, और यहाँ पर दो वायर निकले रहते थे और जो घड़ी से जुड़े होते थे, वो एक तरीके का फ्रोकन, ये क्या कहते हैं, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता था। अगर आपने मदरबोर्ड देखा हो, तो मदरबोर्ड में इतना ऐसे करके, ठीक है, रेक्टेंगल शेप में एक सिल्वर टाइप का कंपोनेंट देखा होगा, अगर आपने मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, उसको देखा हो तो, ठीक है, सिल्वर, उस पर कुछ 10,000 MHz इस टाइप का कुछ लिखा होगा, ठीक है, MHz इस टाइप का। तो ये जो सिल्वर टाइप का दिखता है ना, ये भी सिल्वर टाइप का, तो ये क्रिस्टल डायोड होता है, क्रिस्टल ऑक्सीलोस्कोप होता है, ऑक्सीलोस्कोप सॉरी, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है, ठीक है। इसकी मैं इमेज लगाना भूल गया, वरना मैं आपको दिखा देता किस तरीके से होता है। ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और ये मैकेनिकल होता है, मतलब कि इसमें कोई सर्किट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये मैकेनिकल होता है, जो कि यूं करके हिलता रहता है और फ्रिक्वेंसी जनरेट होती रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन क्या है इसकी। इसकी एक ही लिमिटेशन ये है कि वो लो फ्रिक्वेंसी पर जो है आउटपुट नहीं दे सकता, क्योंकि हाई जो हाई उसके लिए फ्रिक्वेंसी के लिए बना हुआ होता है, तो इसलिए लो आउटपुट नहीं दे सकता है ये हमारा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। बाकी इसमें कितने जितने तरीके के मैंने क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे मैंने बता दिए, ठीक है, सभी को आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर बात करें टर्मिनल ऑफ एस सी आर की, एस सी आर में क्या कितने टर्मिनल होते हैं, इधर यहाँ सी और डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो था शायद क्रॉप में कट गया होगा। तो सी में क्या था, एनोड था, कैथोड था और गेट था, ठीक है। एस सी आर आपने देखा होगा, इसका सिंबल इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अगर इसके यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा एक डंडा कर दिया जाए, तो वो जी टी ओ हो जाता है, ठीक है, एक जी टी ओ हमारा डिवाइस होता है, तो उस तरीके से वो दिखता है, ठीक है, बस यही है इसमें, तो और कुछ है नहीं। ये आप आईसी वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है इस आईसी का नंबर। बाकी आप टर्मिनल देख सकते हो कि कौन से टर्मिनल होते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में ये टर्मिनल के ही बारे में पूछा गया, तो टर्मिनल से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। बाकी चलते आगे, ये है अ डिवाइस विच कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ थ्राइस्टर एंड ट्रांजिस्टर। थ्राइस्टर और ट्रांजिस्टर की दोनों प्रॉपर्टीज किस में पाई जाती हैं, एस सी आर में, डायक में, या ट्राइक में, या जी टी ओ में। जी टी ओ में दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है, ये इस तरीके से दिखता है। इसमें एनोड होता है, इसमें कैथोड होता है, जो कि मैंने बताया था, इसमें एक डंडा खींच देते हैं, तो ये एक गेट जो निकलता हमारा, ये हमारा जी टी ओ बन जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं गया, बस आपको नॉर्मली याद होना चाहिए, तो मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको बेसिकली पता होना चाहिए हल्का फुल्का, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।
अगर हम क्वेश्चन देखें, अगला डिवाइस विच नेगेटिव रेजिस्टेंस, जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है उसको क्या कहते हैं, जो हमारा यूनिडायरेक्शनल जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है यानी कि UJT जो हमारा होता है, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, उसमें तीन टर्मिनल होते हैं। UJT में हमेशा नेगेटिव जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, और SCR इसको ट्रिगरिंग करने के लिए SCR में यूज़ किया जाता है, ठीक है SCR का यूज़ किया जाता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये ऑक्सीलेटर जो बनाते हैं हम उसके अंदर यूज़ होता है, और जो फ्रिक्वेंसी बनाते हैं उसके अंदर भी हमारा UJT है जो कि यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना है एग्जाम्पल के, इसमें ऑक्सीलेटर और फ्रिक्वेंसी दोनों में यूज़ होता है, तो ये एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, तो उनको लेकर चलना है साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट आर यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इनमें से कौन से यूनिवर्सल गेट है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल गेट आपके कौन से हैं। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नॉर और नैंड आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये रहा नॉर और ये रहा नैंड गेट, ठीक है। नॉर और नैंड गेट का दोनों का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है, दोनों की वैल्यू निकालना बता चुका हूँ, किस तरीके से इनकी वैल्यू निकलेगी, तो ठीक है ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं आगे, सारे गेट मैंने करा दिए हैं, ठीक है, एक बार वीडियो आप प्रीवियस भी देखना क्योंकि उसमें मैंने सारे गेट आपको पढ़ा चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट आगे, कह रहा है एक सेकंड में इसमें ये देखूँ क्वेश्चन कट तो नहीं रहा मेरी फोटो से, ठीक है नहीं कट रहा। कह रहा है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इज डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज स्पीड, ठीक है, प्रोपोर्शनल स्पीड। प्रोपोर्शनल स्पीड से हमें यह बताना है कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर पावर मॉसफेट की बात करें, अगर हम पावर मॉसफेट की बात करें तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है और जो वर्किंग पावर भी ज़्यादा होता है इसका, काफ़ी हाई पावर पे भी वर्क कर लेता है और काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर भी काम कर लेता है, ये मॉसफेट का पावर वर्जन है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है मॉसफेट का पावर वर्जन है। तो इसकी स्पीड और इसकी पावर और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, सभी से हाई होती है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लेकर चल रहे हैं, तो पहला हमारा आना चाहिए पावर मॉसफेट। अगर जहाँ पर पहला आपको पावर मॉसफेट लगेगा, ठीक है, दिखेगा, तो वो आपको राइट आंसर कर देना, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, इसको कहते हैं कॉमन सेंस लगाना थोड़ा को। जैसे कॉमन सेंस आप लगाना स्टार्ट करोगे ना थोड़ा थोड़ा, तो आप जो गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन है, उसको काटना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पर ये काट दिया आपने, और यहाँ पावर मॉसफेट, भले ही आपको इसके बारे में ना पता हो, बस पावर मॉसफेट के बारे में हो तब भी आप टिक कर दोगे राइट आंसर, ठीक है, पावर मॉसफेट। फिर उसके बाद हमारा IGBT आ जाता है, फिर पावर BJT आ जाता है, बाई डायरेक्शनल जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर SCI आ जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कह रहा टेंशन इन ए ब्रशिश ऑफ DC जनरेटर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। जो BC जो DC जनरेटर होता है उसके जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं फॉर इट्स वर्किंग, उसके कार्य करने के लिए, ठीक है, वाइल जबकि जब हम उसकी जो टेंशन है यानी कि जो जो उसके जो जनरेटर के जो ब्रशिश हैं, जो ब्रशिश मैंने आपने देखा होगा DC जब मोटर खोलते हो तो उसमें कार्बन के दो ब्रशिश होते हैं, ठीक है, जो जो उसका कम्यूटेटर है उसमें यूं करके टच होते हैं, यहाँ कम्यूटेटर गोल कम्यूटेटर होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, शायद बनेगा नहीं उस उतने हिसाब से, ये दोनों कम्यूटेटर होते हैं यहाँ और यहाँ, दो ये कार्बन के ब्रशिश होंगे, ठीक है, इसमें से दो वायर, एक इसमें से एक वायर इसमें से जाता है, एक वायर इसमें जाता है, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, ठीक है, इसमें से हम सप्लाई देंगे तो ये कम्यूटेटर में टच होता है और कम्यूटेटर घूमने लग जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसका जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और इसके पीछे एक स्प्रिंग लगी रहती है जो कि इसको टेंशन देती है, मतलब कि टेंशन देने का मतलब वाली टेंशन नहीं है इसमें, मतलब एक फोर्स देती है भारी, ठीक है। तो कह रहा है कि इन ब्रशेज कॉज क्या होगा कि अगर टेंशन बढ़ा दिया जाए, मतलब कि जो पावर है ब्रशेज की वो बढ़ा दी जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में, वेलोसिटी हमारी जो मशीन की है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी कहने का मतलब घूमने की क्षमता तेज हो जाएगी या धीमे हो जाएगी, या उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जनरेटर की बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मोटर मोटर को घुमाया जाएगा किसी इंजन से, तो यहाँ से वोल्टेज हमारा निकल करके आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ मशीन टू डिक्रीज, उसकी मशीन की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी,
या कह रहा है आउटपुट वोल्टेज, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आने वाला है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, या बोल रहा है ओवर हीटिंग ऑफ कम्यूटेटर एंड सरफेस वियर आउट। क्या कह रहा है, जब हम इसको बढ़ा देंगे, जब इसको हम मतलब ज़्यादा फोर्स देंगे तो क्या होगा, कम्यूटेटर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स होने के बाद दबाव महसूस करेगा, और जैसे दबाव में कोई चीज़ घूमेगी, ठीक है, कोई चीज़ दबाव में घूमेगी तो वो हीट जनरेट करेगी, हीट जनरेट करेगी, जिससे क्या होगा, इस पे जो टर्मिनल, यूं करके टर्मिनल होते हैं गैप दे के, वो शायद उखड़ने भी लग जाए, ठीक है, इसके फोर्स की वजह से, या वो क्या करेंगे, या ये जो हमारा ये जो है कार्बन का, ये क्या करता है, जब ज़्यादा प्रेशर देते तो ये घिसने लग जाता है, तो ये घिस भी जाएगा और ये कम्यूटेटर है वो हमारा खराब भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा डी राइट आंसर होगा, क्या कहेगा, ओवर हीट भी हो जाएगा हमारा कम्यूटेटर और जो उसका सर्विस है वो निकल करके बाहर आ जाएगा, वियर आउट हो जाएगा, ठीक है, घिस जाएगा वगैरह। तो डी हमारा राइट आंसर है। बाकी मैंने आपको समझा दिया कम्यूटेटर कैसे, मतलब कम्यूटेटर क्या होता है, कार्बन ब्रश होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं आगे जाकर कि जो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर होती है उसमें मतलब किस धातु का यूज़ किया जाता है कम्यूटेटर में करंट देने के लिए या वोल्टेज देने के लिए, तो वो हमारा जो कार्बन है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बेस है तो उसको हम उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे। अब इसमें मैं आपको चार्ट नहीं, खैर चार्ट मेरे को पता नहीं है इसमें मैंने लगाया कि नहीं लगाया, बाकी मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है, एमिटर बेस, इसको या एमिटर बेस लिख लो या बेस एमिटर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कलेक्टर बेस, ठीक है, अगर ये भी फॉरवर्ड वाइज है और ये भी फॉरवर्ड वाइज है तो ये सेचुरेशन मोड पे हो गया, ठीक है, सेचुरेशन मोड पर हो गया, ठीक है। सारी बातें ध्यान से सुननी है और दिमाग में एकदम, और एक बार वीडियो भी देख लेनी, मतलब वीडियो तो देखनी देखनी है, फिर इसको दोबारा दोबारा रिवाइज भी करना है, ठीक है। एक कंडीशन ये बन गई, अगर दूसरी कंडीशन की बात करें हम, तो एक फॉरवर्ड बेस पे होगा, एक इसको हम कर देते हैं ये, हाँ ये रिवर्स बेस पे हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होगा हमारा एक्टिव रीजन पर होगा, एक्टिव मोड कहा जाएगा इसको, ठीक है। अब जो एक कंडीशन और बनेगी वो हमारी बनेगी, दोनों ही रिवर्स बेस पे हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों रिवर्स बेस पे होते हैं तो ये कट ऑफ रीजन पर आ जाएंगे, कट ऑफ मोड पर, ठीक है। कट ऑफ मोड पर आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ना है, ये याद हो जाएंगी, और ये कई बार पेपर में पूछा गया है और बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया, कई बार ये दे देता है जैसे कि यहाँ पर देख रखा होगा कॉमन बेस, ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखोगे तो एमीटर बेस, सॉरी एमीटर बेस आप देखोगे तो एमीटर बेस दोनों में फॉरवर्ड बेस पर होता है, सिर्फ एक में रिवर्स बेस पर होता है, ठीक है, एक में रिवर्स बेस पर होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉमन बेस जो है हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बेस पर है, फॉरवर्ड बेस पे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, एक या तो वो सेचुरेशन हो सकता था या तो एक्टिव मोड हो सकता था, ठीक है, दोनों दो में से एक हो सकता था। और यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दिया है, एक तो हमें सेचुरेशन मोड दिया गया है और दूसरा हमें एक्टिव मोड अगर दे देता तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाते सारे, क्योंकि दो ऑप्शन राइट यहाँ पर, दो आंसर हमें राइट यहाँ पर मिल जाते, तो इस वजह से यहाँ पर सेचुरेशन दे करके हमें एक्टिव मोड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कट ऑफ मोड तो होगा नहीं, कट ऑफ मोड में दोनों ही रिवर्स बेस पे होते हैं, ठीक है, रिवर्स एक्टिव मोड कोई कुछ होता नहीं है और नॉर्मल मोड भी कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है, तीन मोड होते हैं, सेचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ मोड, ठीक है, जिसमें से सेचुरेशन मोड ये है और ये एक्टिव मोड भी है, ठीक है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। एक्टिव मोड कैसे है यहाँ पर देख सकते हो, एमिटर बेस सिर्फ एक ही कंडीशन में रिवर्स बेस पर होता है, किस पर होता है, कट ऑफ मोड पर होता है, यानी कि अगर यहाँ पर ये कॉमन बेस हमें जंक्शन फॉरवर्ड बेस दिया गया है तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो सेचुरेशन मोड भी हो सकता है या तो एक्टिव मोड, दोनों में से कोई सा हो सकता है, मगर हमें जो ऑप्शन में दिया गया
जो ऑप्शन है वो है सेचुरेशन मोड। तो सेचुरेशन मोड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अच्छा हाँ, मैंने लगा दी थी। चलो ये देख लेते हैं, ये एक्टिव मोड हो गया, ठीक है, ये सेचुरेशन मोड हो गया, और ये कट ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, तो ये आप सब देख लेना है किस तरीके से, बाकी मैंने बता दिया। आप अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो तो इसको एक बार पढ़ लेना। ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी यूज, ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया जा सकता। ट्रांजिस्टर पहली बात क्या, दो डायोड से मिलकर बनता है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसको मैं फिर बता देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको एक ही बार बताया, तो दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो डायोड से मिलकर बनता है, तो दो डायोड हम ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये दोनों का जो टर्मिनल है वो एक ही है हमारा। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों का टर्मिनल एक ही है और ये दोनों अलग अलग टर्मिनल हो गए। जब दो डायोड को हम सेम टर्मिनल से जोड़ देते हैं, जो दो डायोड को हम सेम टर्मिनल से जोड़ देते हैं, मतलब इसका भी सेम टर्मिनल और इसका भी सेम टर्मिनल और इसका भी सेम टर्मिनल, जब हम जोड़ देते हैं, जो इससे हम जोड़ते हैं वो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, और जो इससे हमारा छूट जाता है, यानी कि जिसको हम नहीं मिलाते, वो उसमें से एक एमिटर बन जाता है हमारा, एक कलेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा पी है, यानी कि एनोड है ये हमारा, और ये हमारा कैथोड है, तो यहाँ पर भी ये हमारा कैथोड होगा और यहाँ पर ये हमारा एनोड होगा। और जब मैंने एनोड को आपको बताया था तो इसको मैंने पी से डिनोट करने के लिए कहा था, तो ये हमारा पी हो गया, और कैथोड को कहा था मैंने एन टाइप से, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांजिस्टर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, हमारा पी एन और पी, पी एन पी हमारा ट्रांजिस्टर बन गया, जिसमें से हमारा एन जो है हमारा वो बेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजिस्टर बन गया, और इसको जब हम रिवर्स ऑर्डर पर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायोड, यानी कि हम जो ट्रांजिस्टर से हैं वो डायोड का भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर से रेक्टिफायर बन, रेक्टिफायर कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, जब हम ट्रांजिस्टर को रिवर्स मोड पर लेकर जाएंगे, मतलब रिवर्स उसको बना देंगे डायोड में, तो डायोड से हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर है, मतलब ये भी राइट आंसर कहने का मतलब है, ये भी ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है, और एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनता ही है, यानी कि तीनों ट्रांजिस्टर से बनते हैं। सिर्फ कैपेसिटर है एक ऐसा जिसमें हम ट्रांजिस्टर को कैपेसिटर में नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में दो प्लेटों के बीच में यहाँ पर दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की मैं बताते रहूँ, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है, जो कि जिसमें जो हमारा चार्ज है वो स्टोर हो जाता है, और इसे आइसोलेशन का भी काम करता है इन दोनों प्लेट को। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम डब्बे में पैक कर देते हैं, तो ये हमारा जो है वो हमारा ये कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो इस कैपेसिटर में ना ही डायोड का काम करता, ना ही आपका डायोड होता है, ना ही ट्रांजिस्टर, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसमें तो ये आपको बात याद में रखनी है कि हमारा कैपेसिटर इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि कैपेसिटर ट्रांजिस्टर को हम एज अ कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते। अब कह रहा बाइनरी नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, बाइनरी में सारे बन गए थे, सिर्फ एक ये मल्टीप्लीकेशन का रह गया था, इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 111, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 101 से। ठीक है, अब मैं इधर कुछ बेसिक फंडे आपको बताता हूँ, उसको आपको देख कर चलना है। जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करते हो तो जीरो आता है, जीरो की मल्टीप्लाई वन से करते हो तब भी जीरो आएगा, अगर वन की मल्टीप्लाई जीरो से करते हो तब भी जीरो आएगा, और वन की मल्टीप्लाई वन से करते हो तब यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा। अब एक और फंडा इसका मैं प्लस माइनस में बता देता हूँ। ठीक है, वन आएगा, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, जीरो प्लस जीरो ये जीरो हो गया, ये बाइनरी फॉर्मेशन में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये जीरो हो गया, और जैसे ही आप वन प्लस वन करते हो, इस केस में डिविजिबिलिटी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मल्टीपल में बता रहा हूँ मैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वहाँ पर आप प्लस वन जब करोगे तो क्या होगा, वन प्लस वन जब करते हैं तो
जो हम लिखते हैं वो जीरो हो जाता है, और कैरी यानी कि एक हासिल दे देते हैं आगे वाले को, यानी कि एक जो आता है वो हासिल आगे को दे देते हैं। 1+1 हम 1 और 0 में लिखते हैं, जिसमें से एक हम यहाँ पर लिख देते हैं और एक हम हासिल दे देते हैं। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। ये मत कर देना आप 1+1 तो 2 कर दो, ठीक है, इतना आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है तो इतना बेसिक आप कर लोगे। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया 1+1 एक, इसमें यही चीज याद करने की है कि 1+1 1 0 होता है, ठीक है, जिसमें से 0 हम वहीं का वहीं लिख देते हैं, एक हम आगे वाले को दे देते हैं। अगर आगे 1 होगा, ठीक है, और 1 फिर वहां पर 0 और फिर एक और आगे को 1 कर देगा, तो ये अभी मैं जो ये है ना टर्म आपकी बनी है, तो वो मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, इसके लिए मैं कलर कोई बढ़िया सा ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 आपके जो सिंपल फॉर्म है उस तरीके से। इसमें मैं दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा, पहले मैं ये तरीका बता देता हूँ। ठीक है, 1011 इक्वल टू, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको मैं प्लस करूँगा, ठीक है, अब ये फंडा लगेगा इधर, अब ये फंडा लगने वाला है। ठीक है, इसको याद में रखना है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं वाइट ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, 1 और 0, 1+0 क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 और 1 क्या बताया था मैंने, 1 और 0 होता है, जिसमें से हम 0 यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 आएगा उसको हम आगे कैरी कर देंगे, यानी कि हासिल दे देंगे। और जैसे हम यहाँ पर हासिल देंगे, यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा, फिर 1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे और 1 फिर से हासिल दे देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 1 और 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 यहाँ पर लास्ट में रख देंगे, क्योंकि हासिल देने के लिए कोई हमारे पास डिजिट नहीं बची है। तो आप देख सकते हो कि ये किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इनका नंबर याद है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, नंबर याद है तो उस तरीके से आप कर सकते हो। किस तरीके से, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 0 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 0 1 क्या होता है, ये 1 होता है, 0 1 0 क्या होता है, ये 2 होता है। इस तरीके से आपको ये सारी डिजिट, मतलब ये भी याद होना चाहिए। फिर तो जो डिजिट है जो हमारी निकल के आएंगी, ये डेसिमल में आएंगी जो डिजिट, हमें उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा फिर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप इसी तरीके से करोगे तो ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, एक तरीका ये बता दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको डिजिट पता है तो उसको मल्टीप्लाई करो और बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, और डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई सा भी तरीका आप आजमा सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। वैसे मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे से पूछो तो मैं कौन सा करूंगा, तो मैं करने वाला हूँ ये वाला तरीके से। ठीक है, ये और ये आपको याद होना चाहिए, ये मत भूल जाना, जैसे ये भूलोगे यहाँ पर सब गड़बड़ा दोगे तुम, सब गड़बड़ जाएगा मामला। ठीक है, एक नंबर लेने जाओगे और एक तिहाई नंबर दे के जाओगे। अब करते हैं फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप 1 बिट जो हमारा स्टोरेज कर लेता है सेल को। ठीक है, व्हाट इज द सेफ ऑफ स्टार्टर, स्टार्टर की सेफ किस टाइप की होती है, जो स्टार्टर होता है हमारी उसके जो सेफ होती है वो रिंग सेफ टाइप का होता है। ठीक है, बोथ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन इज मोर देन यूनिटी, ये मैंने आपको चार्ट 3 से 4 बार दिखा दिया होगा, मेरे ख्याल से मैंने उससे भी ज्यादा बार दिखा दिया होगा जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको चार्ट को याद करने के लिए कहा था। ठीक है, उसको याद कर लिया, पता नहीं किया कि नहीं आपने, मगर याद करना जरूरी है, क्योंकि उसमें से देखो आप हर बार क्वेश्चन बन ही रहा है। ठीक है, उस चार्ट में हर बार ना कुछ क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन जो एमीटर होता है उसमें हमारा क्या होता है, वोल्ट करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही हाई होते हैं यूनिटी से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, और वो जाकर अगर ना पढ़ा हो ना तो दोबारा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन है इन ए सेपरेटली एग्जिस्ट जनरेटर। ठीक है, ये क्या है, एक विलंगित सेपरेटली एग्जिस्ट जनरेटर। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार को।
इसमें एक सर्किट बनता है, वो मैं सर्किट बता देता हूँ, ठीक है? सर्किट मैं बना देता हूँ पहले। इसमें एक सर्किट बनता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इस सर्किट को याद रखना या दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है? तो ये सर्किट इसमें बना है, वो मैं बना देता हूँ। और यहाँ पर एक कॉइल है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हमारा रेजिस्टेंस रहे है, ठीक है? ये हमारा इंडक्टर है L1, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? और ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है? अब जो कह रहा है, जो सेपरेटली एग्जिस्ट जनरेटर है, जो हमारा जनरेटर है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए जो हमारा आगे जनरेट करता है सिग्नल को, कह रहा है फील्ड वाइंडिंग इज एग्जिस्ट बाय एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स, ठीक है? तो हमारा जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स है, यहाँ से जो हमारा एक्सटर्नल डीसी सोर्स आएगा, डीसी सोर्स कैसे पता चला? डीसी ही आएगा यहाँ पर, डीसी आपको इस तरीके से पता चलेगा, जो ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इसमें आप ये प्लस और माइनस देख सकते हो। जब भी ये प्लस और माइनस दिख जाए ना आपको अलग अलग, तो यानी कि इसका मतलब आप समझ लेना डीसी है, क्योंकि एसी में कोई भी इस तरीके का साइन नहीं होता, वहां पर सिर्फ फेस और न्यूट्रल चलता है, फेस और न्यूट्रल चलता है, ठीक है? तो ये डीसी फील्ड हमारा वाइंडिंग जो राइट है वो आंसर हो गया, ये हो गया। और ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये मैंने अभी तक किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा, और ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। कह रहा है द टाइप ऑफ मोटर जनरली यूज इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट हमारी जो ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल होती हैं उसमें कौन सी हम जो मोटर है वो यूज में लेते हैं, ठीक है? आपके पास मैं ऑप्शन अगर आपको हिंट दूं तो ए और बी में से आपका कोई एक आंसर है, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? इन दोनों में से कोई है एक आपका आंसर है, ठीक है? क्योंकि डीसी जो ईवी कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो हैं, अब जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि डीसी जो व्हीकल होती है उसमें ये मोटरसाइकिल हो जाए या साइकिल हो जाए या हो जाए आपकी क्या कहते हैं कार वगैरह, तो उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज़ की जाती है, डीसी शंट मोटर यूज़ करी जाती है, ठीक है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझको दोगे, ठीक है? इस दोनों में से एक है वो मेरे को दोगे, ठीक है? थिम्बल, जो थिम्बल यूज़ करते हैं, थिम्बल जो हम कनेक्टर के टाइप में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम नट लगा के, जैसे आपने देखा होगा, थिम्बल लगा देते हैं और बोल्ट लगा के नट से कस देते हैं, ठीक है? तो उसका यूज़ किया जाता है किस पर्पस के, वेरी हाई वोल्टेज के लिए हम उसको लगाते हैं थिम्बल को, ठीक है? वहाँ पर हम सोल्डिंग नहीं लगा सकते, वहाँ पर हम थिम्बल लगा दिए करते हैं, ठीक है? डायरेक्ट कस दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा डीसी मोटर होती हैं, एसी मोटर होती हैं, उसमें सप्लाई देने के लिए थिम्बल कस दिया जाता है नट बोल्ट से, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये सोलर एनर्जी हमारा कन्वेंशनल है, ठीक है? हाइड्रो एनर्जी हमारा कन्वेंशनल है, क्योंकि इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। विंड एनर्जी हमारा कन्वेंशनल है, क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। और एक नेचुरल गैस जो आता है, इससे अगर हम बिजली वगैरह बनाते हैं, इसका जब हम यूज़ करते हैं एज अ बिजली बनाने में, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये CO2 भी छोड़ता है हमारे वातावरण में, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स रहने वाला है, ठीक है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है कौन सा, ये है हमारा, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये हमारा है सी, ठीक है? सी हमारा नेचुरल गैस जो है हमारा वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है हमारा, ठीक है? अब ट्रांजिस्टर का भाई मैंने इतना खोल के पढ़ाया था आपको, इतना खोल के पढ़ाया था कि मैंने कहा था ट्रांजिस्टर का कुछ भी आ जाए ना, आपसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है? ये मैंने आपको कहा था, बताया था, समझाया था कि एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, और मैंने सब बताया था उसमें, ठीक है? अगर आपको दिक्कत है फिर भी मैं बता देता हूँ उसको, कि इसको पहचानना कैसे, मैंने कहा था पहले भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने कहा था कि किसको किस तरीके से पहचानना है, ठीक है?
आपने एन टाइप और पी टाइप पढ़ा होगा, और जरूर पढ़ा होगा क्योंकि इसको मैं भी पढ़ा चुका हूँ अपने इस चैनल पर, ठीक है। और ये अभी कुछ वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें एन टाइप जो मटेरियल होते हैं हमारे, ठीक है, उसकी कुछ इंप्योरिटी हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिला दी जाती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे दो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी हम इंप्योरिटी मिला देते हैं तो वो एक कंडक्टर का काम करने लग जाते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो जाते हैं वो। सेमीकंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पर होते हैं, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनकर आपको देखने को मिला होगा, या आपके आईटीआई का पेपर हो, या इसरो, या डीएमआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ और डीएमआरसी हो, या नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कहीं पर भी आप देखोगे वो क्वेश्चन आपको पूछे कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से गए होंगे। तो जो अगर हम सेमी कंडक्टर में, अगर शुद्ध सेमी कंडक्टर होता तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं उनको, अगर कुछ उसमें इंप्योरिटी मिला दी जाती है, जैसी कुछ इंप्योरिटी उसमें मिला दी जाएगी तो वो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाते हैं, और जैसे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएंगे तो उसमें से या तो हमारा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। और पी टाइप में बात करें तो पी टाइप में होल्स हमारे सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये भी आपको क्वेश्चन में कई, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे, मतलब पेपर में पूछे गए हैं। एक्सट्रेंसिक इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बता दिए, अब क्या करता है, अगर इनको मिलाने का प्रक्रिया भी मैंने बता दी, ठीक है, ठीक है। और किस में, अब हाँ, अब ये भी पूछा जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा ज़्यादा पाया जाता है, एनपीएन में या पीएनपी ट्रांजिस्टर दे दिया जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं या होल्स ज़्यादा होते हैं। तो मैं बता दूँ कि अगर एन दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हो, देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में जिसको कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक समझाना, उस भाषा में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किताब से या किसी टीचर से पढ़ोगे ना तो भाई आपका दिमाग तो घूम ही जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से समझो, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एन दिखाई दे रहा है ना। तो जो कैरियर होगा, करंट कैरियर, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एन का मतलब मैंने ई बताया, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे। अगर बात करें पीएनपी, अगर पीएनपी में आपको क्या ज़्यादा दिख रहा है, इसमें पी ज़्यादा दिख रहा है, पी का मतलब मैंने क्या बताया था, होल्स, तो इसमें होल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इसमें होल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको पहचानना कैसे है, ठीक है। एक ये लाइन खींचो, एक ये लाइन खींचो, और यहाँ से हम ये बना देते हैं, ठीक है। और ये हम एमिटर बना देते हैं, ये हम कलेक्टर बना देते हैं, ठीक है। हमेशा जो साइन होता है, जो ये साइन आप देखने को देख रहे होंगे, ये साइन हमेशा एमिटर हीट एमिटर के टर्मिनल पर ही होता है, देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो सिंगल फेस दोनों में के बीच से जो सिंगल निकलता है टर्मिनल, उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये हमने इसका नामकरण कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो सिंबल दे रखा है, इसको सिंबल को हम एज इट इज यहाँ पर ये बना देते हैं। जैसे हम सिंबल बना देते हैं तो हमारा जो करंट फ्लो है वो हमने बताया था कि जो पी से एन की तरफ जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। हमेशा जो करंट फ्लो होता है हमारा पी टू एन होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इस एरो किस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा प्लस हो गया, यहाँ से हमारा एरो यूं करके जा रहा है, तो ये इसको हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करके आपको और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। हमारा करंट बी से ई की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब जो एमीटर का टर्मिनल का नाम आ जाता है ना, जैसे एन आ गया, एमीटर का आ गया, तो कलेक्टर का सेम होता है, तो कलेक्टर को भी हम एन लिख देंगे। जब हम इसका नामकरण करेंगे तो पी हमारा एक सिंगल है, और जो सिंगल होता है उसको हमेशा बीच में लगते हैं दोनों के, ठीक है, क्योंकि ये बीच में टर्मिनल है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एन पी और एन, और देखो बातों ही बातों में आपने राइट आंसर भी यहाँ पर टिक कर दिया। क्या है यहाँ पर राइट आंसर, आप बताइए जरा, ठीक है, आप बताइए, आपने बातों ही बातों में यहाँ पर जो राइट आंसर है वो टिक कर दिया। ये हमारा ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है।
बिल्कुल इजी देसी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में, और फिर भी किसी के समझ में ना आए ना फिर तो भाई क्या करूं, दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। और ये हमारा डायग्राम दे रखा है, कह रहा है ये किसका मतलब सर्किट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर किसी भी तरीके का लैंप या फैन या इलेक्ट्रिक बेल आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल नहीं है, ना ही ये फैन का सिंबल है, और ना ही ये लैंप का सिंबल है, तो यहाँ पर इसको काटो, लैंप का सर्किट है ही नहीं है, क्योंकि लैंप आपको दिख नहीं रहा, ये लैंप है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट है नहीं क्योंकि बेल नहीं दिख रही आपको, फैन का सर्किट है नहीं क्योंकि आपको फैन नहीं दिख रहा, तो एक ही आप पे राइट आंसर है, लैडर सर्किट है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग पावर ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर ठीक है के एक इसमें कुछ जो फॉल्स है वो स्टेटमेंट है। इट्स वर्क एज अ स्विच, इट हैज हाई स्विचिंग स्पीड, इट है इट कंपोजिशन इज लाइक नॉर्मल ट्रांजिस्टर, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजिस्टर की नन ऑफ द ऑर्डर, जो हमारा ऑर्डर ऑप्शन है ठीक है इसमें से नहीं है, ओह ठीक है। इट्स वर्क एज अ स्विच, जो हम पावर जो ट्रांजिस्टर होता है एज अ स्विच, स्विचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाई स्विचिंग स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ठीक स्विच ट्रांजिस्टर का काम एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हाई स्पीड स्विचिंग के लिए भी यूज करते हैं। जब हाई स्पीड स्विचिंग की बात होती है ना यहाँ पर, तो हाई स्पीड स्विचिंग में क्या होता है, जो हमारी जो जैसे हमें कोई भी पल्स बनानी है तो उसमें हाई जो पावर ट्रांजिस्टर है, हाई पावर ट्रांजिस्टर उसका भी यूज़ कर लिया जाता है। मगर हम ज़्यादातर अगर देखें तो पावर मॉस्फेट वगैरह, मॉस्फेट IGBT का यूज़ किया जाता है। मगर हाँ, पावर ट्रांजिस्टर से भी हम फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि वो स्विचिंग का भी काम कर सकता है हमारा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर बात करें इट्स कंपोजिशन इज लाइक नॉर्मल ट्रांजिस्टर, नहीं ये जो है इसकी संरचना सामान्य ट्रांजिस्टर के समान होती नहीं है, ठीक है। अगर ये सामान्य ट्रांजिस्टर हो जाएगा तो इसको फिर पावर मॉस्फेट क्यों कहेंगे, मॉस एक होता है मॉस्फेट, आपने मॉस्फेट सुना होगा, एक सेकेंड ये क्या हो गया, आपने मॉस्फेट सुना होगा ठीक है। मॉस्फेट का प्रो वर्जन यानी कि उससे ऊपर वाला वर्जन क्या है, पावर मॉस्फेट है, ठीक है। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर का जो पावर वाला वर्जन है मतलब प्रो वर्जन है और बढ़िया वर्जन है वो है पावर ट्रांजिस्टर। तो इसमें जाहिर सी बात है जो ट्रांजिस्टर की कंपोजिशन है वो नहीं होंगी इसके अंदर, तो ये हमारा सी जो है वो रॉन्ग आंसर है, मतलब कि जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारी सी है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्विच गियर, स्विच गियर का कौन सा इसमें जो है वो नॉट ए फंक्शन, स्विच गियर का फंक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार, हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्विच गियर का, स्विच गियर का अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये प्रोविजन फॉर सेल्फ कंट्रोल, प्रोविजन होता है इसका स्वचालित, मतलब खुद से जो स्विच गियर होता है वो खुद से संचालित करने के लिए काम में जो यूज है वो नहीं लिया जाता, ये नॉट ए फंक्शन इसका है। बाकी सारे ये फंक्शन है, टोटल ड्यूरेबिलिटी के लिए भी हम स्विच गियर का यूज़ करते हैं, फास्ट एक्सिस के लिए भी हम स्विच गियर का यूज़ करते हैं, और प्रोविजन फॉर कंपोनेंट के लिए भी हम ये उपकरण के लिए प्रबंधक का भी काम करते हैं। तो ये आपका जो है वो आपको याद रखना है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग फंक्शन है, जो सही फंक्शन है उसको याद रखना है। इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं स्विच गियर के, एक तो टोटल ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, फास्ट एक्सेस हो सकती है, या प्रोविजन फॉर कंपोनेंट यानी कि उपकरणों के लिए प्रबंध का काम भी कर सकता है स्विच गियर का, ये तीनों आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आपको ये भी साथ में देख के चलना है कि क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एट लोअर हेड, ठीक है, जो लोअर हेड होती है वो रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, ठीक है, किस टेक्निक पर काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके पर काम करते हैं। तो 69 अगर मैं बात करूं तो एनर्जी प्रोडक्शन जो लोअर हेड होती है, लोअर हेड पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो रिंग टाइप का गोल होता है वो, ठीक है, जो कि काम करता है मेन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को, ठीक है, और उस टेक्निक को ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कहा जाता है, ठीक है। कौन सी मेन रिंग में मतलब गोलाई में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूं करके मैं बना देता हूँ उसका,
ऐसा एक रिंग टाइप का बन जाता है, और इस रिंग में इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है। ठीक है, फिर ये मैं बता दूँ, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाले देख रहे होंगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इलेक्ट्रिकल का भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, उनका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या करने की टेक्निक कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ये जो है हमारा रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक कहा जाता है इसको। यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू रबर इन वेल्कनाइजेशन प्रोसेस, जो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है रबर, रबर में जो हम ऐड करते हैं वेल्कनाइजेशन प्रोसेस से, तो उसमें हम सल्फर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रिकल के वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वेल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेपर यूज इन इंसुलेशन ऑफ केबल इज, जो इंसुलेशन की जो केबल होती है, मतलब जो इंसुलेशन के लिए केबल यूज़ करते हैं या पेपर यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए, आपने देखा होगा जब हम वाइंडिंग भरते हैं मोटर वगैरह में, जब वाइंडिंग भरते हैं तो एक इंसुलेशन के लिए हम उसमें पेपर टाइप का कुछ प्लास्टिक टाइप का होता है वो हम उसमें लगाते हैं ताकि वो इंसुलेशन बना रहे, मतलब एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से टच ना हो, या जो हम उसके अंदर वाइंडिंग भरते हैं उसके अंदर होल में वो कागज़ डाल दिया करते हैं ताकि वो एक दूसरे से टच ना करे। ठीक है, तो इम्प्रेगनेंटेड पेपर, ठीक है, उसको कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी मैं इमेज डालना भूल गया, वरना इमेज से और बढ़िया आपको समझा देता। अगर बात करता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एलुमिनियम की, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एलुमिनियम की बात करूँ तो 27, ठीक है, 22.7, सॉरी 2.7 हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एलुमिनियम की होती है। इसको याद कर लेंगे तो भी बढ़िया, क्योंकि एलुमिनियम और कॉपर की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दो की याद होनी चाहिए, एलुमिनियम और कॉपर की, क्योंकि इन्हीं से ही आप देखोगे वायर वगैरह बनते हैं, एलुमिनियम का बनता है या तो कॉपर का बनता है। अब कहें सस्पेंशन टाइप रजिस्टर आर कनेक्टेड, जो सस्पेंशन टाइप जो हमारा रजिस्टर है वो हमेशा हमारा किसमें, सीरीज में हमारा जो है वो यूज़ में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, हमारा सीरीज में हमारा यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन टाइप का रजिस्टर जो आर कनेक्टेड इन सीरीज में यूज़ किया जाता है, जो सस्पेंशन टाइप का हमारा रजिस्टर होता है। खैर, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड्स ऑफ ए कॉइल ऑन ए कम्यूटेटर सेगमेंट इज कॉल्ड, जो कम्यूटेटर में हम, समझो ध्यान से, जो हमारा प्रोसेस होता है जॉइनिंग का, ठीक है, कॉइल की, कॉइल में जो हम कॉइल बनाते हैं ना, कम्यूटेटर में जो कॉइल लगती हैं इस तरीके से कॉइल बनती हैं, ठीक है, इनके दो छोर निकलते हैं, फिर क्या करता है ये कम्यूटेटर में लग जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ से फिर एक फिर कॉइल बनने लग जाती है, फिर इस तरीके से कॉइल बनती रहती है कम्यूटेटर में। आपने देखा होगा मोटर वगैरह में, यहाँ पर साफ नहीं बन रहा, ठीक है, मोटर वगैरह में आपने देखा होगा कम्यूटेटर में वो वाइंडिंग बनी रहती है। ठीक है, जो वाइंडिंग बनती है उनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉइल कहते हैं, तो इसको हमें कहा जाएगा कॉइल, जो हम कनेक्शन है वो हम करते हैं दोनों उसके सिरे जो होते हैं जॉइनिंग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग एंड्स ऑफ कॉइल, जो कॉइल के जो एंड होते हैं उनके जॉइनिंग को हम क्या कहेंगे, कॉइल कनेक्शन कहेंगे, क्योंकि कॉइल का हम उस टाइम कनेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कॉइल कनेक्शन कहेंगे। क्या रहा, डू वट वी कॉल अ वाइंडिंग वेन द एंड्स ऑफ अ कॉइल आर एक से आर जॉइंट टू ए कम्यूटेटर बार एट द डिस्टेंस ऑफ वन पोल पिच। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या रहा, एक इस तरीके से एक वाइंडिंग हमारी यहाँ, मेरे हाथ को देखना, एक वाइंडिंग यहाँ है हमारी, एक वाइंडिंग यहाँ है, जब उसका हम कनेक्शन करते हैं एंड्स को कनेक्शन करते हैं तो उस जो पोल हो, एक पोल ये हो गया हमारा, एक पोल हो गया, उसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जा सकता है या हम उसको क्या कहेंगे, जब भी हमारी पोल की जो डिफरेंस होती है ना, जो पोल के जो ये एक वाइंडिंग यहाँ होगी हमारी, एक वाइंडिंग यहाँ होगी, यहाँ पर हमारा गैप है, इसको हम पोल कह देंगे, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा। ठीक है, क्या होगा, जब हमारा कम्यूटेटर घूमेगा तो एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसमें से पास होगा, और एक बार इसमें से पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे पास होगा ऐसे करके, ठीक है, एक बार इसमें से पास होगा यूं करके। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, जो जनरेट होगी, या तो हम जनरेटर का काम करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होगी वो इस तरीके की होगी वेव फॉर्म में, और जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वेव फॉर्म में यूज़ होती है तो इसको हम एक मतलब जनरेट होती है तो उसको हम साइन वेव बोल देते हैं,
ठीक है, साइन वेव बोल देते हैं, और इसको एसी सिग्नल, एसी सिग्नल कहा जाए या एसी करंट कहा जाए, तो ये अल्टरनेटिव करंट कहा जाए, तो ये उस तरीके का जनरेट भी हो जाता है और ये एक वेव बन जाती है। देखो होगा ना यूं करके, ये वेव बन गई ना, एक ये वेव बन गई, तो ये वेव वाइंडिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपको याद में रखना, बिल्कुल मैंने समझा दिया किस तरीके से। ठीक है, कह रहे द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर पिच इन अ ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, ट्रिप्लेक्स, अगर ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें तो इसमें तीन, जो सी हमारा है वो राइट आंसर होगा। अगर आपको इसको आंसर आपको पकड़ना है तो कम्यूटेटर पिच जो वी वाई है वो ट्रिप्लेक्स होती है, यानी कि तीन होती हैं। ठीक है, ट्रिप्लेक्स यानी कि तीन होती हैं, थ्री लैप वाइंडिंग होती हैं, तो तीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। वहाँ यहाँ पर पता राइट आंसर क्यों होगा तीन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर पिच पूछा हुआ है और यहाँ पर ट्रिप्लेक्स दिया हुआ है लैब वाइंडिंग का। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, कहाँ चला गया ये इलेक्ट्रिक वाल, अरे यार क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे वैल्यू ऑफ पोल पिच व्हेन प्रोवाइड 84 आर्मेचर कंडक्टर एंड 6 पोल। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ पोल अगर हमें निकालना हो, वैल्यू ऑफ पोल पिच, पोल की पिच की वैल्यू अगर निकालनी हो, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान होगा। पोल पिच कैसे निकालते हैं, पोल पिच निकालते हैं हम आर्मेचर अपॉन पोल, आर्मेचर अपॉन पोल से हम पिच, पोल पिच निकाल देते हैं, पोल पिच शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा 84 दिया गया है और यहाँ पर हमारा 6 दिया हुआ है, इसको जब काटोगे तो 14 6 84 होता है, तो यहाँ पर 14 आपका जो पिच, पोल पिच है वो आ जाएगा, यानी कि 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप पता है क्या कर सकते हो, आप ये लिखने की वजह आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में ही काट दो कि 64 84 ये दिया हुआ है, 6 ये दिया हुआ है, 14 6 84 यानी कि 14 आ गया यहाँ पर हमारे काटने पर, तो ये 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं बस। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है उनको। कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की जो हमें जो स्पीड है या ईएमएफ है उसको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स इज इंक्रीज बाय कीपिंग द फील्ड रेगुलेटर। ठीक है, रिड्यूस वोल्टेज, इंट्रोड्यूस कैपेसिटर या इंट्रोड्यूस करें इंडक्टर को। अगर ईएमएफ की बात करें, जो उनका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो सही लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ एन अल्टरनेटर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या करता है, जो जितना ज़्यादा हमारा जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जैसे ये कॉइल है, कोई ये कॉइल है, इसके बीच में कोई एक सॉफ्ट आयरन होगा अंदर, और ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड कब बनना स्टार्ट होगा, जब इसके दोनों सिरों पर हम पॉजिटिव यानी कि एसी करंट देंगे। ठीक है, जैसे एसी करंट देंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर एक इसके पैरेलल में वाइंडिंग होगी जो म्यूचुअल इंडक्शन का काम कर रही होगी। ठीक है, जो म्यूचुअल इंडक्शन का काम कर रही होगी, और ये जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक करेगा, ठीक है, इसमें लिंक करेगा, तो यहां पर भी ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो क्या होगा, जब अल्टरनेटर की बात करते हैं तो उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो उसमें मतलब दो नहीं, कई तरीके की वाइंडिंग होती है, मतलब एक वाइंडिंग यहाँ, एक वाइंडिंग यहाँ, कम्यूटेटर के जितने भी पार्टीशन होते हैं, पोल होते हैं, उनमें वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो बात करें तो हमें उसकी क्या करना है, ईएमएफ इंक्रीज करना है, तो जो फ्लक्स है, मतलब कि जो जो उनका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बाय कीप फील्ड रेगुलेटेड की। ठीक है, ठीक है, फील्ड से जो फील्ड रेगुलेटेड है उससे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वाइंडिंग से, उतना ही ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि ईएमएफ बढ़ेगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है,
तो अल्टरनेटर में इसको यूज कर रहा था। कह रहा था इंडक्टर मोटर विल रन एट सिंक्रोनाइज स्पीड इफ इट इज रन एट सिंक्रोनाइज स्पीड पर काम करेगा एट फुल लोड पर विद इंजेक्टेड ईएमएफ। सिंक्रोनाइज स्पीड पर काम कब करेगा विद इंजेक्ट, जब हम उसमें इंजेक्ट करते हैं एक ईएमएफ। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने अनुसार, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर में जो हम विल रन एट सिंक्रोनाइज स्पीड पर हम उसको काम करा सकते हैं। ठीक है ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है कितने क्वेश्चन हो गए होंगे? चलो चलता हूँ मैं पढ़ा देता हूँ जितना है सब। ठीक है। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर ऑफ एन इंडक्टर मोटर इज हाफ द वैल्यू ऑफ रोटेटर रिएक्टेंस बिकम्स, कितना हो जाएगा? ठीक है, रोटेटर डबल हो जाएगा या अनचेंज होगा या हाफ होगा, रिड्यूस द 1/4 होगा। क्या होगा जब हम उसका क्या करते हैं, जब हाफ कर देते हैं। इंडक्शन मोटर इज हाफ द वैल्यू ऑफ रोटेटर रिएक्टेंस बिकम्स, जो उसका रिएक्टेंस है ठीक है रोटेटर का, वो दुगना हो जाता है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ये इसका जो फॉर्मूला है एक्स इजकल टू 2R, जो फॉर्मूला है वो दुगनी हो जाता है। ठीक है। और ये मैं फिर बता दूँ इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। और कॉमनली यूज एसी मोटर फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जो यूज़ की जाती है वो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह लगाने की झंझट नहीं होती। ठीक है। और एफिशिएंसी भी बढ़िया होती है, पावर भी बढ़िया देता है, कि इसलिए हम थ्री फेज मोटर का जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं एसी में। कह रहा है व्हेन ए मोटर इज स्विच्ड ऑन द रोटेटर फ्रिक्वेंसीज, जब हम मोटर जब रोटेटर जब हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं तो द रोटर फ्रिक्वेंसी, जो घूमने की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है? वो शून्य होती है हमारी। ठीक है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वो शून्य होती है। ठीक है। फिर शून्य के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट करती है और फिर वो रोटेटर है वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मैं देख लेता हूँ, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। डी। एक सेकेंड। सिक्स कह रहा व्हेन ए स्विच इज ऑन द रोटेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई कैन बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? ठीक है। ठीक है, पानी पी लेता हूँ मैं, फिर पढ़ाता हूँ। यार गला सारा बैठ गया। आप इतने क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? ठीक है। अब वीडियो शायद काफी लंबी हो गई, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ सारा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ, ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि डीसी जो मोटर होती है उसकी स्पीड को घटाने के बढ़ाने के लिए हम जो थ्राइस्टर है वो यूज में लिया करते हैं। अब इन ए डीसी मोटर इफ ए बैक ईएमएफ इज एब्सेंट, अगर बैक ईएमएफ एब्सेंट है तो क्या होगा? मोटर भी बैक ईएमएफ है तो क्या होगा उसका? बैक ईएमएफ क्या करता है एक तरीके से ये समझो, एक होता हमारा ईएमएफ और एक होता है बैक ईएमएफ। जब ईएमएफ और जब बैक ईएमएफ इक्वल होगा तो मोटर हमारी नहीं घूमती है। ठीक है। अगर ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा तो मोटर हमारा घूमना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बैक ईएमएफ है वो है ही नहीं, ख़त्म है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा अगर बैक ईएमएफ है नहीं, यानी कि उसको रोकने की क्षमता ही नहीं है उसके अंदर, तो मोटर इतनी तेज़ घूमेगी, इतनी तेज़ घूमेगी कि वो जल जाएगी, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है। जैसे ही आप लगाओगे ना करंट उसमें लगाओगे, अगर उसके अंदर बैक ईएमएफ, वैसे
कोई भी मोटर हो उसमें बैक ईएमएफ जरूर होता है, ठीक है। अगर कुछ भी मोटर बनाते हैं ना, मैं बैक ईएमएफ जरूर होगा उसके अंदर, जैसे ही आप लगाओगे बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और आपका जो जो ईएमएफ दे रहे हो वो भी इंड्यूस होगा। आपका ईएमएफ ज़्यादा होता है बैक ईएमएफ से, इसलिए आपकी मोटर घूमने लग जाती है। अब क्या होगा अगर बैक ईएमएफ होगा ही नहीं, तो जैसे ही आप मोटर जैसे ही लगाओगे तो रोक उसे उस बंदे मतलब उस ईएमएफ को रोका नहीं जाएगा किसी भी तरीके से। तो एकदम से करंट जो आपकी वाइंडिंग के अंदर जाएगा वो वाइंडिंग को जला देगा वो सारी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कि द स्पीड ऑफ सीरीज मोटर इज नो लोड इज, ठीक है। अगर हमारी जो सीरीज मोटर है अगर उस पर कोई लोड नहीं है तो उसकी जो स्पीड होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है, यानी कि अनंत हो जाती है। फिर तो वो सोच लो घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। डेजी शंट मोटर आर यूज फॉर ड्राइविंग, किस ड्राइविंग के लिए यूज की जाती है? डीसी मोटर आप बताइए, ठीक है। क्रेन, टूल मशीन, या होस्टेज, या ट्रेन्स, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। मैं इसमें आपको चॉइस दे देता हूँ, या तो वो होगा क्रेन या ऊपर होगा मशीन टूल, ठीक है। इन दोनों में से एक है, वो आप मेरे को बता देना। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली द एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर ओवर एसी मोटर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि द एडवांटेज जो एडवांटेज हैं डीसी मोटर के एसी मोटर से ज़्यादा हो, ठीक है। लो कॉस्ट, कह रहा है इनमें से कौन सी आवश्यकता रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है, डीसी मोटर की तुलना में एसी मोटर का लाभ नहीं है, ठीक है। वाइल्ड रेंज, वाइल्ड स्पीड, स्टेबिलिटी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमारा जो किसमें बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एसी मोटर में हमारा हाई स्पीड टॉर्क देखने को मिलता है, ठीक है। हाई स्पीड कहाँ पर मिलता है, हाई स्पीड कहाँ मिलता है आपको, हाई स्पीड देखने को मिलता है आपको एसी मोटर में, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो भाई ये भी एसी में मिलता है आपको, हाई स्पीड की बात करी जाए तो ये भी एसी में मिलता है आपको, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर लो कॉस्ट की बात करें तो हम देखने को ये मिलता है कि लो कॉस्ट जो है वो एक इसका फैक्टर है कि डीसी मोटर हमारा लो कॉस्ट पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। कह रहा है स्मॉल डीसी मोटर कह रहा है 2-5 हॉर्स पावर की है, यूजली है इसमें, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है। 120, 120 ये 20 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन, ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, एक सेकेंड। इसका आप मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो जो ये मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन, आप जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, तो उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा आपकी नॉलेज जो मैंने पहले बताया हुआ है ना वो इनहेंस होगी, वो निखर कर आएगी कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन पूछा तो इसको किस तरीके से करेंगे। नहीं आएगा तो अपने दोस्त से पूछोगे, या मैंने ग्रुप बना रखा उसमें पूछोगे, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इसमें आपका पूछने का मतलब आपका नॉलेज ही इनहेंस होगी कुल मिलाकर, ठीक है। चलते आगे। खैर इन डीसी मशीन फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड, फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग को यूज में लिया जाता है, ठीक है। अरे फ्रिक्शनल, हाँ हाँ ब्लैक कलर है ये, ब्लैक कलर, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। इन डीसी मशीन फ्रिक्शन पिच वाइंडिंग इज यूज्ड, पिच वाइंडिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। डीसी मशीन के अंदर किस पर्पस के लिए किया जाता है? टू रिड्यूस करने के लिए, उसकी स्पार्किंग जो उसके अंदर होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। मगर क्या होता है फिर भी उस पर स्पार्किंग होती है, क्यों होती है? जो जो ब्रश होते हैं जो हमारे बुश के कहते हैं, ठीक है, जो कार्बन के होते हैं, इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं, बीच में कम्यूटेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये मोटर लगी रहती है, ठीक है। ये वाइंडिंग वगैरह होती है यहाँ पर, इस तरीके से वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये दोनों टच में रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्प्रिंग होगी जो इसको टेंशन का काम करेगी, जो इस इधर इस साइड को धकेलेगी, और
और इसको इस साइड को धकेलेगी, इधर एक करंट का वायर इधर लगा रहता है, इधर लगा रहता है, ये पॉजिटिव होता है, कोई एक इसमें से नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा, दोनों टच में रहते हैं, तो ये कम्यूटेटर उससे घूमने लग जाता है। जैसे ये घूमने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल इस तरीके से होते हैं, एक वाइंडिंग का यहाँ पर होगा, दूसरी वाइंडिंग का यहाँ पर होगा, तीसरी वाइंडिंग का यहाँ पर, और बीच में गैप होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये टच होता है, जैसे टच इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जाता है ना, तो वहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, उसको कम करने के लिए कह रहा है, क्या करते हैं, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन पिच जो वाइंडिंग है उसको यूज में लिया जाता है, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसकी स्पार्किंग को, मगर फिर भी उसमें स्पार्किंग होती है हल्की बहुत, ठीक है। बाई लुकिंग देखते हैं एट द विच पार्ट ऑफ द मोटर इट कैन बी इजिली कन्फर्म दैट ए पर्टिकुलर मोटर इज डीसी मोटर, हम क्या कह के देख सकते हैं कि वो जो हमारी मोटर है वो डीसी मोटर है या एसी मोटर है, ठीक है, क्या कह के बता सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ पहले बताया था कि कम्यूटेटर में हम यहाँ पर दो बुश लगे रहते हैं, ठीक है, एक बुश यहाँ पर, एक बुश यहाँ पर, और ये एक वायर हो गया, प्लस बोल सकते हैं, ये एक नेगेटिव वायर हो गया, ठीक है। अगर आप डीसी और एसी मोटर को देखोगे तो कम्यूटेटर देखकर आप पता कर सकते हो, क्योंकि जो एसी मोटर होता है ना, एसी जो मोटर होती है उसमें जो हम करंट देते हैं वो सीधा वाइंडिंग के अंदर जाता है, ऐ सॉरी मैं गलत डायग्राम बना रहा, ठीक है, इसको छोड़ो, वाइंडिंग होता है उसमें, एसी में मेरी बात सुनो, ठीक है, एसी में हम डायरेक्ट वाइंडिंग के अंदर करंट देते हैं, और डीसी के अंदर हम ये बुश लगाकर कम्यूटेटर के अंदर करंट देते हैं, तो इसमें हमें पहचानने के लिए दिया गया है, तो हम किस तरीके से पहचाने, हम कम्यूटेटर से पहचान लेंगे कि ये हमारी जो मोटर है वो डीसी मोटर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, जो हमारे ब्रशेस डीसी मशीन में होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, ठीक है, वो कार्बन से बने हुए होते हैं, ठीक है, ये मैंने हर बार बताया था। अभी पीवीसी की बात करें तो व्हाट डज पीवीसी स्टैंड फॉर, ठीक है, पॉलीविनाइल, क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा, ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। और इसमें एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी मिक्सी वगैरह होती हैं उसमें हम यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या होता है, उसमें एसी की वाइंडिंग होती है और डीसी के बुश लगे हुए होते हैं, ठीक है, वाइंडिंग भी होगी उसमें और कम्यूटेटर दोनों होगा, तो यानी या तो हम उसमें वाइंडिंग के थ्रू भी करंट दे सकते हैं और हम एक कम्यूटेटर होता है उसमें बुश भी लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ाने और तुरंत घटाने के लिए उसमें एक डायोड लगा रहता है, डायोड क्या, एक डायोड, सिंगल डायोड क्या करता है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको घटा देता है, जैसे फ्रिक्वेंसी घटेगी तो क्या होगा, या वो तो पहली बात तो ये कि वो एसी में डीसी में कन्वर्ट कर देगा, दूसरी बात ये कि वो स्पीड घटा देगा, ठीक है, तो यानी कि जैसे हम मिक्सी में देखते हैं एक बटन तुरंत दबाया स्पीड तुरंत घट जाती है, दूसरा बटन दबाया तुरंत स्पीड बढ़ जाती है, तो इसमें यूनिवर्सल मोटर लगी रहती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, पीवीसी बता दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बता दिया आपको, इन फोर पोल डीसी मशीन, ठीक है, फोर पोल डीसी मशीन में क्या होता है, एक फोर पोल की बात करी जाए ना, तो एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, चार पोल होंगे या दो पोल हो गए तो नॉर्थ साउथ हो गए, आठ पोल हो गए तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, मतलब कि हमेशा एक के बाद एक होगा, यानी कि अल्टरनेटिव सीरीज में ये हमारा रहने वाला है, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ये दिया राइट आंसर है बी, कह रहा है अल्टरनेट पोल आर नॉर्थ एंड साउथ, अल्टरनेट मतलब कि एक से दूसरा जो होगा वो हमेशा अलग होगा, या पहला नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पोल फोर पोल डीसी मशीन के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कपलिंग, सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा कपलिंग का हम मतलब बोल सकते हैं किसको सबसे ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात करें, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात करें तो ये आया 10 रुपये के 100 रेजिस्टेंस आ जाते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर की बात करें तो ये 1 रुपये के 2 कैपेसिटर हमारे आ जाते हैं, तो ये इतना कॉस्टली नहीं हुआ, ठीक है। अगर डायरेक्ट कपलिंग की बात करें तो उसमें कुछ लगता ही नहीं है, ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करें तो भाई एक ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है, और उसकी कीमत ही 100 रुपये तक की होगी मिनिमम, ठीक है, बाकी आप डिपेंड करता है कि कपलिंग का, ट्रांसफार्मर कपलिंग मतलब किस पावर का यूज़ करना चाहते हो। और एलसी की बात करो तो इंडक्टर, एक इंडक्टर लग जाएगा, ये इंडक्टर हो गया आपका,
इंडक्टर ठीक है, इसे आप खुद भी बना सकते हो, नहीं तो मार्केट से लेके आओगे 1-2 रुपए का मिल जाएगा। और कैपेसिटर का मैंने प्राइस यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, तो ये भी आपका महंगा नहीं रहेगा। LC कपलिंग भी महंगा नहीं पड़ेगा, RC कपलिंग भी नहीं महंगा पड़ेगा। महंगा क्या पड़ेगा, ट्रांसफार्मर महंगा पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए उसकी कपलिंग भी महंगी पड़ेगी। तो मोस्ट एक्सपेंसिव कपलिंग कौन सी रहेगी हमारी, यहाँ पर C जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। फिर नॉइस फैक्टर ऑफ एन आइडियल, अगर आइडियल की बात यहाँ पर हो रही है तो आइडियल का मतलब मैं आपको बता दूँ, आइडियल मतलब होता है बहुत बढ़िया। अगर बहुत बढ़िया कोई चीज़ है, बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है, तो उसके अंदर हमारा नॉइस फैक्टर क्या होगा, नॉइस फैक्टर उसमें हमारा 0 रहने वाला है, ठीक है। और नॉइस को हम दिखाते हैं dB, यानी कि डेसीबल इसको कहा जाता है, ठीक है। dB आपको दे करके ये पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो डेसीबल कहा जाता है। साउंड को हम डेसीबल में भी नापते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का नॉइस है जिसको हम डेसीबल में नापते हैं। और जब भी हमारा आइडियल कोई भी एम्पलीफायर होगा उसमें जो नॉइस होगा वो हमारा 0 रहता है। कह रहा शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिटरमाइन, शॉर्ट सर्किट हमारा किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा जो फैन वगैरह है, फैन है और मोटर है या कुछ भी है, अगर उसमें कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता तो किस वजह से हो सकता है आप बताइए, ठीक है। एडी करंट लॉस की वजह से नहीं, आयरन लॉस के नहीं। शॉर्ट सर्किट हम कैसे पता चलेगा, शॉर्ट सर्किट हम उसके दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे, किस टर्मिनल पर लगाएंगे, जहाँ से कॉपर की दो छोर आ रहे होंगे, या एक पहला, ठीक है, और एक लास्ट का छोर आ रहा होगा। अब वो पूरी वाइंडिंग होगी, क्या होता है जब हम मोटर चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो जाम होने की वजह से या किसी और वजह से वो वाइंडिंग जल जाती है। वाइंडिंग जलने से क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाती है। और वाइंडिंग जलती कैसे, जो ऊपर का इंसुलेटर होता है ना उसका, वो हीट होके पिघल जाता है। और ठीक है, तो पिघलने की वजह से इंसुलेटर पिघल जाता है, तो जो कंडक्टर है वो बाहर आ जाता है। और कंडक्टर, एक कंडक्टर जैसे ही दूसरे कंडक्टर में टच होगा तो वो वहाँ पर जल जाएगा। और जलने से कैसे जलेगा कि वो शॉर्ट हो जाता है, उस वजह से जल जाता है। तो ठीक है, क्या शॉर्ट होगा यहाँ पर, हमारा कॉपर शॉर्ट होता है। जो क्यों क्यों होता है कॉपर शॉर्ट, क्योंकि तो वो वाइंडिंग कॉपर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सी राइट आंसर हो गया, कॉपर लॉस की वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। क्या रिवर्स EMF एट द स्टार्टिंग ऑफ DC मोटर इज, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, ठीक है, DC मोटर अगर स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें हमारा जो रिवर्स EMF होता है, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, जो हमारा रिवर्स EMF होता है, ठीक है, पहले हमने क्या बात करी थी, AC की बात करी थी। AC में जो हम यहाँ पर मैं बात कर, AC में मैंने बात करी थी या किसी भी मोटर की बात करी थी, वहां पर मैंने ये बताया था अगर किसी भी मोटर का अगर रिवर्स EMF है ही नहीं, नेग्लेजेबल है, तो वो क्या, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो मोटर है वो हमारी जल जाएगी। इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो इनिशियल है, मतलब जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग जो रिवर्स EMF है वो हमारा 0 रहता है। क्यों रहता है, ताकि मोटर वो घूम सके, ठीक है, क्योंकि इसमें DC मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी हल्का सा थोड़ा कम होता है इस वजह से, ठीक है। अब कम नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब 0, जब रिवर्स EMF 0 हो जाएगा ना तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर यूज इन DC मोटर, DC मोटर के अंदर किस तरीके का स्टार्टर यूज किया जाता है, ठीक है। टू रिड्यूस रिवर्स EMF, टू रिड्यूस आर्मेचर रेजिस्टेंस, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, इनक्रीज द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, किस तरीके का यूज में लिया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्या करते हैं हम, जो इसका करंट होता है अगर उसको हम लिमिट कर देते हैं, करंट को लिमिट करने का मतलब है DC सर्किट के अंदर या DC मोटर के अंदर जब हम करंट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, AC के क्या अंदर, AC की कैसे करते हैं, उसकी हम जो फ्रिक्वेंसी उसको बढ़ा घटा कर उसकी स्पीड पर कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें जो स्टार्टर है यूज इन, किस तरीके के स्टार्टर, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लिमिट कर सकें। लिमिट करने का मतलब ये है कि हम उसको बढ़ा सकें और घटा सकें, उससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट जो हमारा स्टार्टर है उसको यूज़ करते हैं उस रूप में, ठीक है। क्या है, जनरेटर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग जो हमारी होती है आर्क वेल्डिंग, तो उसमें जनरेटर हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम जनरेटर उसमें यूज़ करते हैं DC शंट जनरेटर हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ द सप्लाई टर्मिनल ऑफ DC मोटर आज इंटरचेंज, सप्लाई और टर्मिनल दोनों को ही अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो मोटर भी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सप्लाई सिर्फ चेंज कर रहे हैं तो मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगी,
ठीक है, या टर्मिनल हम चेंज कर रहे हैं तो मोटर उल्टी दिशा में, अगर सप्लाई टर्मिनल दोनों चेंज कर रहे हैं तो मोटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिमेन अनचेंज्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्टेप अप, ये मैं आपको करा चुका हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के, देखो कितने क्वेश्चन बन के रखे आ गए हैं, ठीक है, और सारे अलग अलग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर स्टेप अप की बात करूँ तो मैंने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेप अप को एज अ स्टेप अप, नंबर ऑफ वाइंडिंग इसमें ज़्यादा, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा स्टेप अप हो गया। इसको हम इस तरीके से पलट देंगे तो ये क्या, हमारी नंबर ऑफ वाइंडिंग कम आ गई इधर और नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा यहाँ पर आ गई, तो ये स्टेप डाउन का काम करेंगे, यानी कि स्टेप अप को हम उल्टा करके यूज में लिया जाए तो वो एक एज अ स्टेप डाउन भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाइंडिंग, प्राइमरी नंबर ऑफ वाइंडिंग वो कम होंगी, यानी कि कम, ठीक है, कम होंगी नंबर ऑफ वाइंडिंग, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नंबर ऑफ वाइंडिंग प्राइमरी ये रही, सेकेंडरी ये रही, देखो इसमें किस तरीके से घुमा के पूछा गया, कोई अगर बच्चा आंसर देना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर देख के, क्योंकि साइन एक ही दिख रहा है आपको, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीड कंट्रोलर मैकेनिज्म फॉर डीसी मोटर, डीसी मोटर के अंदर इसमें से कौन सा जो है कंट्रोलर मैकेनिज्म नहीं है, डीसी मोटर के लिए स्पीड कंट्रोलर मैकेनिज्म नहीं है, फील्ड कंट्रोल जो है इसका राइट आंसर है, ये एक तरीके का नहीं है, बाकी फील्ड डाइवर्टर, वोल्टेज कंट्रोलर, सीरियल पैरेलल कंट्रोलर, ये सब इसके मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें मैकेनिज्म किए जाते हैं, कौन सा है 35। ठीक है, कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम एडी करंट लॉस, कोर आर मेड ऑफ कोर किससे बनाया जाता है, कल ही ये मैंने बताया था, जो ये कंघी जैसी शेप में होता है, ये आयरन का जो ये लेमिनेशन होता है, ठीक है, ये लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर आपने देखा होगा कंघी टाइप का होता है, ठीक है, कूल वगैरह के देखा होगा, तो जब इसको निकालते हैं तो ये सॉफ्ट आयरन का बना रहता है, किसका, सॉफ्ट आयरन का बना रहता है। सॉफ्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है, ये इस तरीके इस शेप में इसलिए होता है क्योंकि जो एडी करंट लॉस है वो कम से कम हो पाए, तो इसमें जो हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें जो आयरन यूज़ करते हैं वो एक तरीके का सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बहुत क्वेश्चन कर लिए और ये मेरे ख्याल से पहले से काफ़ी लंबी रहने वाली वीडियो है ये, ठीक है, और शाम तक या रात तक आपको मेरी करंट अफेयर की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें फरवरी की करंट अफेयर कवर रहेंगे, वो भी आपको देखनी है, और आपको मेहनत साथ के साथ करनी है, पूरे दिन जान सब से लगा देनी है, मैं भी आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और जितने भी दोस्त भाई बहन हों आपके या आपके क्लासमेट्स हों आईटीआई के, सभी को आपको इस चैनल पर जोड़ना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारी भी जो परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बढ़े, ठीक है, जिससे हम और बढ़िया मेहनत करके आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करें और बढ़िया क्वेश्चन लाने की कोशिश करें, ठीक है, और भी हम आने वाले समय में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर वगैरह के भी टीचर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिटर वगैरह के भी हम कोशिश, ट्रेड के पेपर इसमें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप जितना हो सके लोगों को जोड़िए, सभी को पढ़ाएंगे, इकट्ठा पढ़ाएंगे, ठीक है, और सभी को नॉलेज शेयर करें, जैसे कि मैं फ्री में आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है, कुछ समझ में आता है, अगर मेरे एफर्ट्स आपको, एफर्ट जो हैं वो आपके काबिल बनते हैं, किसी काम में हेल्प करते हैं, तो उसको मतलब लाइक करके आगे पास ऑन करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, बाय बाय।